आपने कभी भी ये आइटम यहाँ पर खाई नहीं होगी, यहाँ देखी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, यानी बहुत बड़ी चीज हो गई। तो इस देखने कच्छ में हमारे गांधीधाम में, तो देखिए किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है, पूरा ये तरह से बन रही है, यानी पूरे इस जो ये है ना, जो वाह इतनी सारी चीजें आ रही है दोस्त, देखिए इसमें अभी आ चुकी है डिश और हम लोग करेंगे इसका टेस्टिंग। तो आज हम गांधीधाम के एक ऐसे फूड शॉप पर हैं, क्योंकि फेमस मिठाई यहाँ बनती है और यहाँ पर कुछ अनोखी एक डिश बन रही है आज, उसके बारे में हमारे यहाँ दोस्त बताएंगे क्या बन रहा है। ये क्या बन रहा है दोस्त? ये कल मतलब बंगाल का फेमस आइटम है। अच्छा, यहाँ ये कलकत्ता और बंगाल में फेमस है? कलकत्ता बंगाल में फेमस है। ओके, तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा प्रोसेस ये कर रहे हैं, और कंप्लीट इसका रेसिपी आपको दिखाऊंगा किस तरह बनाते हैं क्या है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है भेलपुरी। भेलपुरी, भेलपुरी बोलते हैं। तो ये जो है बंगाल में फेमस है, तो गांधीधाम और पूरे गुजरात में इन भाई का चैलेंज है कि यहाँ पर ये आइटम मिलती ही नहीं है। आपने कभी भी ये आइटम यहाँ पर खाई नहीं होगी, यहाँ देखी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, यानी बहुत बड़ी चीज हो गई। तो इसको हम लोग आज देखेंगे पूरा प्रोसेस, मैं टेस्ट करके भी आपको बताऊंगा किस तरह बनती है, और भी यहाँ बहुत सारी चीजें बनती है मिठाई में। तो सीजन आ रहा है, अभी दिवाली है, नवरात्रि है, मिठाई का सीजन आने वाला है, और यहाँ पर बंगाल की बहुत फेमस मिठाइयाँ बनती है, वो भी आज देखेंगे। तो दोस्त आज ये बताइए किस तरह ये बन रही है और क्या क्या यहाँ पर इसमें यूज होता है इंग्रेडिएंट? इसमें ये यूज होता है मैदा का यूज होता है, मैदा और फिर मेरे से अच्छा ये भाई बोल सकते हैं ये ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इनके जो कारीगर है उनसे बात करते हैं, हमारे ऑनर है जो, तो थोड़ा घबरा रहे हैं इस वीडियो में, तो हम लोग इन कारीगर से बात करते हैं। आप अभी देख पा रहे होंगे ये जो हमारे दोस्त बना रहे हैं पूरा, देखिए तो क्या क्या ये क्या चीज आपने? इसको बोलते हैं भेलपुरी, बंगाल का ही। अच्छा भेलपुरी, तो ये आपने पहले इस पे दो लगा दिया है मैदे का? ओके, और ये क्या चीज है? ये बटर। अच्छा बटर है, या बटर जैसा लग तो नहीं रहा है, ये खुद के हाथों से बनता है। अच्छा हाथों से बनता है, वाह ये देखिए ये बटर है जो हाथों से बनाते हैं, यानी कि बाहर की कोई चीज उपयोग नहीं करते यहाँ पर। तो ये बंगाल की फेमस है, वहाँ पर किस तरह मिठाई बन जाती है हमको मालूम नहीं है, पर हम लोग किस तरह से उनको गोल गोल लपेट कर, और अंदर ये जो कटिंग हो रहा है वो भी अंदर डाल दिया है, अभी इसका ये कटिंग यहाँ पर रखा है, और ये देखिए इसमें ये पूरा इसमें डिप करके रखा है, क्योंकि पूरा इसमें एब्जॉर्ब कर ले और तेल को, ये इसमें बटर लगा है उसको, तो इसमें क्रंचीपन आए जो आपको, तो आगे भी देखेंगे पूरा वीडियो, चीज देख रहे हो बनते हुए, इस चीज के अंदर ये भी जाएगा, यानी आपको ये मत सोचिए कि खारी बन रहा है या कुछ ऐसा, या फिर आपको दिखाई दे रहा हो कि मोमोज जैसा, पर मोमोज भी नहीं है, खारी भी नहीं है, ये कुछ अनोखी चीज है। तो ये सब चीज उसमें जाएगी और किस तरह होगी वो आप प्रोसेस, तो ये देखिए कढ़ाई में अभी तेल तैयार हो रहा है, उसको अभी इसमें तलेंगे तेल में, और ये देखिए तेल एकदम कोई काला नहीं है, कोई नहीं है, और एकदम फ्रेश तेल यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं पूरा, ये देखिए पूरा 15 लीटर का केरबा डाल दिया इसके अंदर तेल, और ये पूरी यहाँ पर जो रखा है एक एक चीज यहाँ पर इसमें तलेंगे, और किस तरह बनेगी वो चीज देखिए, वो गजब चीज बनने वाली है। मिठाई के लिए अभी ये खेना जिसको बोलते हैं वो अभी यहाँ पर बन के रेडी है, जिसमें आपको गुलाब जामुन, रसगुल्ले और ये बहुत सारी मिठाइयाँ इससे बन सकती हैं, और ये चाशनी इसके लिए रेडी है, और ये अभी रसगुल्ले और ये सब चीज बनने के लिए रेडी है। मिठाई के लिए अभी चाशनी तैयार हो रही है, ये पूरा देखिए अभी भाई कितना सारा लेकर आए चीनी, और ये पूरा चाशनी अभी तैयार हो रही है, क्योंकि ये जो शॉप है वो मिठाई के लिए फेमस है, और बंगाल की फेमस मिठाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो ये चाशनी स्टार्ट है बनने के लिए। तो आप लोग कहाँ से आए हो दोस्त? बंगाल से। बंगाल से है। ओके, तो ये चीज तो पहले यहाँ पर थी नहीं, अभी स्टार्ट किया? हाँ अभी अभी स्टार्ट किया है, और वो आए हैं। हाँ ये आप थोड़े दिन के लिए आए होंगे? हाँ थोड़े दिन के लिए आए हूँ। एक महीने के लिए? अच्छा एक महीने के लिए। ओके, तो यानी कि ये नवरात्रि में ही फेशियल अभी डिश चालू किया? हाँ अभी शाम को भी मिल सकते है आज। हाँ लेकिन पूजा में ज्यादा मिलेगा। अच्छा ये नवरात्रि पूजा में ज्यादा मिलेगा। तो ये जो आप चीजें देख रहे हो ना दोस्त, ये बनते हुए ये आपको नवरात्रि की सीजन के रिलेटेड ही है, क्योंकि ये अभी नवरात्रि और दिवाली में ही अभी मिलने वाली है, पर शायद बाद में मिले या ना मिले पता नहीं, ये तो अभी इनके ऑनर डिसाइड करेंगे, बाकी ये पहले नहीं थी, और अभी 2 से 3 दिन हुए इस चीज को यहाँ बनते हुए। तो कम्प्लीट इस रेसिपी को देखिए और आप इंजॉय करिए, पूरे हमारे दोस्तों को साथ शेयर करिए, ताकि ये हमारे गांधीधाम जो एरिया के अंदर जो हमारे दोस्त रहते हैं वो इस चीज का मजा ले पाए, और कंप्लीट रेसिपी जब बन के आप देखेंगे तो
गजब की एक चीज बन के रेडी होगी ये। तो इसका प्राइस भी बहुत हैवी है, और प्राइस कितना है वो आपको मैं बताऊंगा क्या है। ये देखिए अभी तलने के डाल दिया इसको। ये पूरे यूट्यूब पर एक भी वीडियो इसका अवेलेबल नहीं है, तो मैंने पूरा यूट्यूब अभी जांचा, पूरा इसमें सर्च किया, पर कोई भी मेरे को वीडियो, एक भी वीडियो इसका मिला नहीं, बंगाल की फेमस भेलपुरी का। और ये देखिए वहाँ पर दूसरे भी वीडियो हैं, पर उसमें पूरी जो है एकदम छोटी क्वालिटी में, बहुत ही कम है उसमें। ये देखिए बिगेस्ट पूरी इन वर्ल्ड बोल सकते हैं, और इस तरह की पूरी आपने कभी देखी नहीं होगी, और ये फेमस है पूरे बंगाल में। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये वीडियो बन रहा है आपके लिए, तो पूरा इस वीडियो को देख, तरह से बन रही है, यानी पूरे इस जो ये है ना, जो ये पूरा तपेला, ये पूरा बड़ा एकदम है, 15 लीटर जिसमें तेल आ गया, और इस पूरे में देखिए दो ही खाली पीस बन रहे हैं। यानी आप वीडियो के थ्रू अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी पूरियाँ यहाँ पर ये, और इस चीज़ को बोलते हैं यहाँ भाई पूरी, और मुझे ये पूरी नहीं पर पूरा लग रहा है। और इसका प्राइस जो है वो आपको लास्ट में बताऊंगा, इस डिश का एक का प्राइस क्या होगा। देखिए वो वहाँ पर क्रंची हो गई एकदम, और इसमें जो कलर चेंज हो गया है, तो भाई को पता चल गया इसको निकालने जैसा है, तो अभी ये निकाल रहे हैं। और हमारे दोस्त हैं जो, ये भी एक वीडियो शूटर अभी कर रहे हैं शूटिंग यहाँ पर। देखिए हमारी भी शूटिंग हो रही है और इनकी भी शूटिंग हो रही है, और ये जो है चीज़ और यह बन रही है। तो यहाँ पर ये दुर्गा वाड़ी है, नवरात्रि में यहाँ पर दुर्गा पूजा होती है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक डेकोरेट होगा और आपको देखने लायक जगह यहाँ पर, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये देखिए अभी ये पूरी एक पीस बनकर रेडी है, सारू छे, सारी रेसिपी हे, तो मजा आवशे, जोवानी घनी मजा आवे छे भाई। ये बंगाली है पर गुजराती में इनको बोलना अच्छा लगता है, तो मैंने गुजराती में थोड़े अभी बोल दिया, और वैसे हम लोग हिंदी में कवर करते पूरा वीडियो। ये देखते रहिए किस तरह से ये चीजें बन रही है यहाँ पर, और इस चीज को एक पूरा जो तैयार होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये खाली, ये तो अभी इसका एक पूरी तैयार हुआ है, तो पूरी के बाद में जो है वो इसमें जो इंग्रेडिएंट पड़ेंगे और भी इसमें जो चाट पड़ने वाला है वो गजब का होने वाला है। जो बनाने का पूरा प्रोसेस आपने देखा, अब हाँ, ये रेडी हो चुका है। हाँ, रेडी होगा तो इस तरह दिखाई देगा। देखिए बहुत बड़ी एक पूरी थाली में समा जाती है, एक ही में आप समझ लो 2 से 3 जने खा लोगे, इतनी ये बड़ी बनेगी, तो कैसे बनाएंगे आप, बनाई ना अभी? हाँ, क्यों नहीं, इसमें पहले आएगा छोले। अच्छा, ये देखिए हमारे दोस्त अभी बना रहे हैं, और क्या है यहाँ पर, ये देखिए छोले डाल दिए, वाह बहुत सारे छोले आएगा इसमें। अरे बहुत सारे, सही है, ये ऊपर लगता है इसमें? हाँ, ऊपर देता है, देना पड़ता है। ये अभी छोले आ चुके हैं इसमें, उसके बाद आएगा काला नमक। काला नमक, हाँ ओके, और ये काला नमक का चला आएगा चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला है? हाँ, चाट मसाला। यानी डिश ऐसी लगनी चाहिए वीडियो में भी, हाँ, के देखने से मुंह में पानी आना चाहिए, और दोस्त हाँ, यहाँ पर सब लोग आने चाहिए। ये क्या चीज है दोस्त? ये पोहा। अच्छा, पोहा है, पोहा। ऐसी चीज आपने पूरे गांधीधाम कच्छ या गुजरात में देखी नहीं होगी। और ये देखिए पूरा बना के रेडी कर रहे हैं। ये क्या है? ये मीठा सॉस। अच्छा, सॉस है, ओके। जैसे क्या बोलते हैं, रेड चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, यानी थोड़ा तीखा भी होना चाहिए, मीठा है तीखा भी होना चाहिए। और ये देखिए गजब की एक चीज बन के रेडी हो रही है, और पूरा प्रोसेस देखते जाइए। आएगा सलाद। अच्छा, सलाद है ये? हाँ, गाजर। वाह, खीरे। वाह, खीरे भी आ गए ऊपर से। अभी अब आएगा टमाटो। अच्छा, टमाटो भी डाल जाइए, यानी ये तो पूरी सब्जी तैयार कर दी आपने। वाह, कितनी सारी चीजें आ रही है दोस्त, देखिए इसमें। उसके बाद आएगा दही। अच्छा, दही भी है, तभी ये आ रही है, कोलकाता में फेमस है ज्यादा। उसके बाद आएगा चीज। अच्छा, चीज है इसके ऊपर? हाँ, ये देखिए गजब की एक चीज बन के रेडी हो रही है। और ये जब नाश्ता फूड ये खाएंगे आप, तो 2 से 3 जने आराम से इसको खा पाएंगे, यानी आपके पैसे पूरे वसूल होंगे। और ऐसी चीज अगर आपने कहीं पर भी देखी हो
बनते हुए मैंने पूरे यूट्यूब के अंदर ये चीज नहीं देखी और फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट हो रहा है, तो आप कमेंट करिए कि कहां पर ये वीडियो आपने लास्ट टाइम देखा था ऐसा। वाह, वापस इसमें सॉस भी आ रहा है, यानी तीखा मीठा खट्टा सब आ गया, यानी पूरा एकदम से इसमें सारी चीजें इसमें ऐड है। ये कोई कंजूसी नहीं करे आप डालने के लिए, खिलाओ पिलाओ और खुश होने चाहिए हमारी पब्लिक जो भी यहाँ पर आती है। आप जाके ये तैयार हो जाए। वाह, ये हो गए तैयार, ये रेडी हो गए। पूरा हमारे अभी आ चुकी है डिश और हम लोग करेंगे इसका टेस्टिंग किस तरह से बनी है, क्योंकि ये देखिए दोनों हाथ मेरे हैं और दोनों हाथ के अंदर आ रही है, यानी कितनी बड़ी चीज है ये खाने के लिए। तो आइए हम लोग अभी टेस्टिंग करते हैं। अभी कैसे इसको स्टार्ट करूं वही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी इसमें चीज है ये। और ये फर्स्ट बाइट मेरे फॉलोअर मेरे सब्सक्राइबरों के लिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना और यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करना। चलिए ये बाइट आपके लिए। ये तो पूरी डिश में खत्म करूंगा, खाऊंगा तब मुझे स्वाद का ज्यादा अंदाजा पड़ेगा। तो ये खाना खत्म करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसी लगी मुझे। एक बाइट में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सब इसमें जितने भी इसमें टेस्ट है ना सब इसमें समाये हुए हैं, पर ये खत्म करने के बाद आपको यकीन मानिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैं वीडियो ये क्रिएट हुआ है। और पूरा आपने वीडियो देखा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और ये वीडियो ये खत्म करने के बाद आपको बताता हूँ कि कैसा लगा मुझे। चलो तो दोस्तों, पूरा ये मैंने एक डिश पूरा खा के कंप्लीट कर लिया है, पर मुझे पहली बार ऐसा लगा चम्मच के बाद मुझे हाथ से भी खाना पड़ा, क्योंकि पूरा मिक्स करना पड़ता है तब जाके आपको स्वाद इसका पता चलेगा क्या स्वाद है। तो डिश तो बहुत अच्छी थी। इसका प्राइस क्या है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है भेलपुरी बोलते हैं इसको। अच्छा, भेलपुरी प्राइस होता है 120 रुपए। 120 रुपए, ओके। तो ये तो अभी पहले नहीं था, अभी नवरात्रि में आप आए हो बना रहे हो? नहीं, कल से भी मिलेगा। अच्छा, कल से तो मिलेगा। हाँ। पर आए अभी, स्टार्ट तो अभी से हुआ। स्टार्ट अभी से हुआ, पर नवरात्रि के बाद दिवाली के बाद होगा या नहीं होगा यहाँ पर? वो शायद होगा, शायद होगा, ये बोल रहे शायद होगा, यानी कि कोई नक्की नहीं है। खत्म हो इससे पहले आइए और एंजॉय करिए स्पोर्ट को। तो दोस्तों, यहाँ का एड्रेस मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर सामने आप देखिएगा तो लीलासा सर्कल है, और लीलासा सर्कल से यहाँ इस साइड में जाइएगा तो आपको हॉस्टलो नजर आएगा। तो हॉस्टलो और लीलासा के बीच में हम लोग इसको दुर्गावाड़ी बोलते हैं। यहाँ पर दुर्गा जी का पंडाल लगता है, नवरात्रि में फेमस जगह है। किसी को पूछा करिएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुरंत ही, आपको कोई भी यहाँ पर एड्रेस दिखा देगा। तो ये दुर्गावाड़ी और हॉस्टलो और लीलासा के बीच में अवेलेबल है। आइए और इंजॉय करिए पूरी चीज़ को, यहाँ पर ये डिश को, और मिठाइयों को आपको अगर टेस्ट करना हो तो यहाँ मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं, क्योंकि बंगाल की फेमस मिठाइयाँ और कोलकाता की फेमस रसगुल्ले, गुलाब जामुन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो इंजॉय करिए सारी चीज़ों को।